फितरत सलीमा पर एक बच्चा पैदा होता है, बाद में क्या होता है, उस फितरत में तब्दीली आती है, उसका रास्ता बदल दिया जाता है या वो बदल लेता है, या तो वो खुद अपना रास्ता बदलता है, दूसरों से सुन के उनकी सुनी हुई बातों को अडाप्ट कर लेता है, अपने में मुंतकिल कर लेता है, किसी और की सोच को अपने अंदर तहलील कर लेता है, या इस तरह से उसके अंदर अपनी तब्दीली वो खुद लाता है, उसकी फितरत वहां से बदलने लगती है, या तो बचपन से ही उसके वालिदैन उसकी फितरत को बदलने लगते हैं, उसको कुछ भी इल्म नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ, वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस तरह निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, न झूठ जानते थे, न फ्रॉड जानते थे, न किसी को धोखा देना जानते थे, न चोरी करना जानते थे, न बदकारी करना जानते थे, दुनिया में जितने बुरे काम हैं, जो गैर फितरी काम हैं, उन कामों को नहीं जानते थे। जब कोई बच्चा पैदा होता है, कुछ भी इन चीजों का इल्म नहीं रखता है, पैदा हो गया, अब या तो वो खुद दूसरों को देख देख के सीख लेता है और अपनी फितरत को बदल कर गैर फितरी काम करने लगता है और वो गैर फितरत पर चला जाता है, या तो उसके वालिदैन उसे बदल देते हैं, फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, माँ बाप अगर यहूदी हैं तो यहूदियत की तरफ उसे माइल करने की कोशिश करते हैं, वो तहजीब और वो सकाफत उसे देते हैं जिससे वो यहूदियत की तरफ माइल हो। अगर उसके वालिदैन नसरानी होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, तो वो उसको उसकी तरफ माइल करते हैं, शुरुआत से ही उस बच्चे की तालीम और तरबियत इस तरह करते हैं कि वो ईसाइयत की तरफ माइल होने लगे, औ युमज्जिसाने, या तो उसे मजूसी बनाते हैं जिसके माँ बाप मजूसी होते हैं, जिसके वालिदैन जिस नजरिया के हैं अपना नजरिया उस बच्चे पर थोपना शुरू कर देते हैं और बचपन से ही वो बच्चा उनके नजरिया से मुतासिर होने लगता है, फिर वो उन्हीं के कालब में ढल जाता है और ढल के उसी के नजरियात का हामिल बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये नहीं कहा जिसके माँ बाप मुसलमान होंगे वो उसे मुसलमान बना लेंगे, इस हदीस के अंदर इसका जिक्र नहीं है। इसका ये मफहूम है कि जिस फितरत पर पैदा हुआ उसी फितरत को अगर बाकी रखा जाए वही इस्लाम है, फितरत ही का दूसरा नाम इस्लाम है, उसी फितरत को इस्लाम कहा जाता है, और इसीलिए जिसके माँ बाप मुसलमान हैं उसे मुसलमान नहीं बनाते, बल्कि वो फितरत पर बाकी है, जिस तरह फितरत पर पैदा हुआ अगर माँ बाप मुसलमान हैं तो उसी फितरत पर बाकी रह गया, अब उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता कुछ चीज़ों की तालीम उसे चाहिए जिनके बारे में मालूमात उसे नहीं है, रोज़े का तरीका, हज का तरीका, वजू की कैफियत, नमाज की कैफियत, इन चीज़ों का इल्म उस बच्चे को नहीं है, इस तरह की तालीमात की ज़रूरत है उसे, वो मोहताज है तालीमात का, इसलिए उसको ये तालीमात दी जाएंगी, लेकिन वो फितरत पर कायम है, और ये जो तालीमात हैं ये भी वही हैं जो फितरत है।